हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बबली किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है स्वीट पूड़ी या मीठी पूड़ी। ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनती है और ये बहुत कम तेल में बन के तैयार हो जाती है। इसको 3-4 दिनों तक आप विदाउट फ्रीज रख के खा सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या सामग्री लगेगा। मीठी पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो पैन में हम 1 कप चीनी डालते हैं। 1 कप चीनी में हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको चलाते हुए चीनी के मेल्ट होने से तक हम इसको पकाएंगे। देखिए, चीनी मेल्ट हो चुका है और इसमें उबाल भी आ गया है। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब शुगर सिरप को ठंडा होने देंगे। इसके बाद एक बड़े से बाउल में मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा। इसका एक डो तैयार करना है। तो जिस कप से मैंने मेजरमेंट किया था चीनी का, तो 1 कप चीनी के लिए हम 3 कप आटा यूज़ करेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें। और फ्लेवर के लिए इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। इसके जगह पे आप चाहें तो सौंफ का भी यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। दोनों में से एक ही यूज करें। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो शुगर सिरप बना के रखा था वो अब ठंडा हो चुका है, तो उसी से डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए सॉफ्ट डो बना लेंगे हम। इस तरह से, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम पानी ऐड करेंगे इसमें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर सॉफ्ट डो अच्छा बनाएंगे तो उसका बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा मीठी पूड़ी। तो अभी टाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी इसमें। देखिए, बहुत सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है मैंने। इससे बहुत ही स्पॉन्जी पूड़ी बन के तैयार होगी। अब इसको हम 3-4 घंटे तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद बनाएंगे। अभी देखिए, 4 घंटा हो चुका है। हमारा डो जो है अच्छी तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूला भी है। तो अगर आपको सुबह जल्दी नाश्ते में बनाना है तो रात को इसको बना के आटा तैयार करके रख सकते हैं और सुबह फटाफट बन जाता है और 3-4 घंटे में भी ये हो जाता है। तो बनाने के लिए हम इसका देखिए छोटा छोटा एक लोई तैयार कर लेंगे इस तरह से। आपको जैसा थोड़ा बड़ा या छोटा जैसा बनाना है बना सकते हैं। इस तरह से मैंने लोई बना लिया है। सारे लोई को बना के तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा चीनी होने की वजह से हाथ में चिपकता है, तो इसके लिए हम ऑयल लगा के हाथ को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे जिससे चिपकेगा नहीं, और सारा लोई बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद इसको बेल के रेडी करना है। तो बेलने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे जिससे कि चिपके ना, और इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे, इसको पतला नहीं बेलना है। देखिए इस तरह से, ये पूरी से थोड़ा सा मोटा हमको ऐसे बेलना है, क्योंकि ये फूलने के बाद, फ्राई करने के बाद और भी मोटा हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। तो इस तरह से हम बेल लेंगे, सारे को बेल लेते हैं, उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। मीठी पूड़ी को फ्राई करने के लिए सबसे पहले ऑयल को गरम कर लेंगे और इसको थोड़ा सा डाल के डो चेक कर लेते हैं गरम हुआ है कि नहीं ठीक से। तो ये अब गरम हो चुका है। अब इसमें हम पूड़ी को डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से ये जैसे ही फ्राई थोड़ा सा होगा ये अपने आप फूल जाएगा। देखिए इस तरह से, ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और प्लफी होता है और बहुत ही इजीली फूल जाता है। इसको पलट देंगे और ये ऑयल भी बहुत कम अब्सॉर्ब करता है। तो दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे यहाँ पे। अभी देखिए ये फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ये। अब इसको निकाल के हम ऐसे ही सारे पूड़ी को फ्राई कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्पॉन्जी मीठी पूरी बनके तैयार हो गया है। ये बहुत अच्छा लगता है और ये देखिए एकदम सॉफ्ट और अंदर से प्लफी बनके तैयार हुआ है। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसको आप जर्नी में भी ले जा सकते हैं और 3-4 दिन तक तो खा सकते हैं। तो आप इसको बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। बाय बाय।